सबसे पहले हम मीडिया भाई को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कल हमारे पूरे भारत के दलित शोषित मजलूम वंचित वर्गों के मसीहा मानवर कांशीराम साहब का, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बामसेप और TS4 के संस्थापक, जिन्होंने रोहतास जिला के साथ साथ हमारे रोहतास प्रखंड में उनका जो चरण पड़ा, मैं उनको सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप हमारे साथ में हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं इनको भी नमन करता हूँ। इनसे प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ने का काम करता हूँ। कहना यह है कि कल हमारे मसीहा कांशीराम साहब का जन्मदिन था, पूरे देश में जन्मदिन मनाई जा रही थी। उस उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी की ओर से बिहार प्रदेश कार्यालय पटना में पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यालय में जयंती समारोह मनाया गया। उस जयंती समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर लालजी मिंघानकर और प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, प्रिय भाई बड़े भाई हमारे कांता जादव कांता प्रसाद, इसके अलावा जो है से कि इकबाल राम जी, हमारे सुरेश राम जी, जो सबके मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफल हुआ। और उस कार्यक्रम में हमें विशेष रूप से जो हमारे सासाराम संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, हमारे छोटे भाई जो संतोष कुमार राम जी हैं, उन्होंने जो है हमें विशेष आग्रह से करके हमको जो है पटना ले जाने का काम किया और हमें पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया। मैं कल पार्टी ज्वाइन बहुजन समाज पार्टी को कर लिया हूँ और मैं उन वहाँ से प्रेरणा लेकर के मैं चला हूँ कि हर हालत में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन से हम लोग को आगे बढ़ना है, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और हमारे जो सासाराम पार्लियामेंट के जो हमारे प्रत्याशी हैं संतोष कुमार जी, उनको हर हालत में हम लोग चाहे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग भाईचारा आपस में ला कर करके और उनको जो है जिताने का काम करें, ताकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बने, ताकि इस भारत में जितने भी हमारे मूल निवासी हैं सबको जो है समस्या है, चाहे सर्वजन समाज से हो चाहे बहुजन समाज से हो, सबकी समस्या है और सभी की समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वह बहन मायावती ही कर सकती है। क्योंकि पूरे भारत देख रहा है कि उधर एक तरफ NDA है तो दूसरे तरफ जो है इंडिया महागठबंधन है। दोनों ने क्या किया, हमारे देश को जनता को छलने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया। बहन जी ने कहा कि ये दोनों जो है एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, ये कभी भी जो है विश्वासघात करने वाले हैं, इसलिए मैं इनके साथ कभी भी अलायंस नहीं करूंगी और मैं अपने बलबूते पूरे देश में चुनाव लड़ूंगी। कहीं कहीं अलायंस भी हुआ है लेकिन बहुत ठोक और उसको परख करके हुआ है। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के सासाराम लोकसभा में प्रत्याशी हमारे संतोष कुमार जी हैं, आप लोग उनको जो है तन मन धन से वोट दे करके जिताने का काम करें, हाथी छाप पर जो है मुहर लगा करके उनको विजय करने का काम करें। मैं महेंद्र भारती, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ नेता बिहार प्रदेश, धन्यवाद। पहले आप लोग जय भाई को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम जगदीश राम हुआ, मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर जो महेंद्र भारती जो बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, इस प्रखंड में हर्ष और उल्लास है, क्योंकि ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। इन्होंने पिछला बार भी बहुत संघर्ष किया है और इससे पहले इन्होंने झारखंड के अंदर में कमान संभाले थे, अब बिहार में आ गए हैं और इनके आने से जो है बहुजन समाज पार्टी में बहुत बढ़िया खुशी की लहर है और हम लोग ओर से, इस क्षेत्र की ओर से भी इनको
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महेंद्र भारती इस क्षेत्र के लिए। इक्कीस अप्रैल 1999 में इन्होंने उतारा था और दिखा दिया था ये काम। और बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने 15 मार्च को मानवर कांसीराम के जयंती के उपलक्ष्य पर इन्होंने ज्वाइन किया, प्रदेश जाकर इन्होंने ज्वाइन लिया है जो बिहार के प्रभारी के समक्ष। और इस क्षेत्र में मैं खुशी की लहर है। मैं इतना कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आप लोगों को भी धन्यवाद।